हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रागिनीज किचन डायरी। तो चलिए देखते हैं मेरी डायरी का आज का मेनू। आज का मेनू है चना कचौरी। मैंने एक कटोरी चना लिया है, इसे 7 से 8 घंटे तक भिगोया था। आप चाहे तो इसे 2 घंटे भिगोकर बाद में कुकर में 2 विसल लगा के भी कर सकते हैं। चना कचौरी बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है चना। सबसे पहले हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करके लेंगे। चने को मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके ले लिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब बनाएंगे कचौरी बनाने के लिए दो। मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, उसमें 1 पिंच नमक डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा 1 पिंच, थोड़ा मतलब 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे। लगभग 1 टेबलस्पून तेल लिया है मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हुआ है। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेंगे। इसका पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, एकदम से नहीं ऐड करना। इसका डो भी हम थोड़ा बनाएंगे। अब हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ऑयल लगाकर रख देंगे, तेल लगाकर। अब हम बनाएंगे स्टफिंग। उसके लिए मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा तेल डाला है, राई, थोड़ा सा जीरा, अब हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ कड़ी पत्ता, इसे हिलाएंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ चना डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे मिर्ची पाउडर, लगभग 1 से 1.5 टीस्पून मैंने मिर्ची पाउडर डाला है। थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। टीस्पून हरा धनिया डाला। अब इसे मिक्स करेंगे।
थोड़ा सा गीलापन है, इसलिए थोड़ी इमली की चटनी मैंने डाली है, इससे टेस्ट भी आएगा और थोड़ा गीलापन भी रहेगा स्टफिंग के लिए। ये ऑप्शनल है इमली की चटनी, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। कचौरी बनाने के लिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब इसे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। जब तक हम डो लेंगे, डो को एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा मसल लेंगे। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा। हमारी छोटी छोटी कचौरियां अब तैयार है। अब हम पहले एक आपे का पैन रख देंगे गैस पे, इसपे थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, 2 या 3 ड्रॉप। अब हम कचौरियां रख देंगे इसमें। इससे हमारे 2 फायदे होते हैं, एक तो कचौरियां तेल में फूटने का डर नहीं, और दूसरी बात तो ये बिल्कुल कम ऑयल वाली रेसिपी है, तो हेल्दी भी है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छे से हो गई है। अब हम इसे नहीं ढकेंगे, ऐसे ही सेक लेंगे कचौरियां। जिधर से पकी नहीं हुई है उधर से हम थोड़ा सा सेक लेंगे, सारी कचौरियों को एक बार देख लेंगे। बिल्कुल ऑयल फ्री डिश है, आप जरूर ट्राई कीजिए। सारी कचौरियों को मैंने 3 से 4 मिनट तक पूरी तरह से सेक लिया है। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गई है, तो इसे उतार देंगे। तो ये रही दोस्तों हमारी खस्ता चना कचौरी तैयार। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी लग रही है, और है भी क्रिस्पी। मैंने इसे टैमरिंड चटनी, इमली चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो पुदीना चटनी या टोमेटो सॉस के भी ले सकते हो। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।